अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने बरतानवी ऑल राउंडर बिन स्टॉक्स के वालद की वफात पर तजियत का इजहार करते हुए उन्हें हौसला भी दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बाबर आजम का कहना था कि आपके दुख का मदावा करने के लिए कोई अल्फाज काफ़ी नहीं, मेरी दुआएं आपके और आपके अहले खाना और दोस्तों के साथ है। बाबर आजम ने अपने पैगाम में मजीद लिखा कि आप अपने वालद का फ़ख्र हैं। ख्याल रहे कि इंग्लिश क्रिकेटर बिन स्टॉक्स के वालद गुज़िश्ता रोज़ ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। बिन स्टॉक्स के वालद जेड स्टॉक्स 65 वर्ष की उम्र में चल बसे। 29 साल इंग्लिश आल राउंडर के वालद को दिमाग के कैंसर की तशखीस 7 साल जनवरी में हुई थी और तबीयत ख़राब के बायस बिन स्टॉक्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 साल अगस्त में खेली गई 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ के आखिरी 2 मैच में शिरकत भी नहीं की थी। जेड स्टॉक्स रग्बी लीग के खिलाड़ी और कोच भी थे। उनके इंतकाल की खबर की तस्दीक उनके साबिक क्लब बर्किंग टाउन ने कर दी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।